हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की वीडियो में हम करेंगे अबाउट दी तनाबे सुगाटो डायग्राम्स। पहले मैं इसकी हेडिंग लिख देता हूँ, फिर इसके बारे में बताएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारे सिग्यासायनेट और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बीएससी और एमएससी में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज इसमें से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हमारे IIT जैम और एमएससी में पूछे जाते हैं। ओके, तो CSIR NET की तैयारी कर रहे हैं तो ये डायग्राम आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो पहले तो हम स्टार्ट करते हैं इसके बेसिक से कि तनाबे सुगाटो डायग्राम्स होते क्या हैं। सो आई विल राइट हियर द डेफिनेशन फर्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, इसके डेफिनेशन लिख दिए दैट दीज आर द कोरिलेशन डायग्राम्स दैट शो द चेंज इन एनर्जीज ऑफ लेवल्स ऑफ डी रेज्ड टू पावर एन सिस्टम। मीन्स डी की कोई भी कॉन्फ़िगरेशन D1, D2, D3 से लेकर D9 तक कोई भी सिस्टम जो होगा उसकी जो अगर हम कॉन्फ़िगरेशन देखें तो उसके में हमारे पास एनर्जीज चेंज का अगर डायग्राम जो बनाना हो तो दैट इज़ कॉल्ड तनाबे सुगाटो डायग्राम्स। और उसमें जो चेंज आ रहा है एनर्जीज में वो कैसे आ रहा है, फ्री मेटल आयन पहले बड़ा होता है, फिर उसको वीक ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सब्जेक्ट करेंगे, फिर स्ट्रांग ऑक्टाहेड्रल फील्ड में सब्जेक्ट करेंगे, तो हमारा जो डायग्राम बनता है इस एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम का दैट इज़ कॉल्ड दी तनाबे सुगाटो डायग्राम। आई होप इट इज़ क्लियर टू यू। अब हम स्टार्ट करते हैं विद द तनाबे सुगाटो डायग्राम फॉर दी कॉन्फ़िगरेशन, डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस। इसमें पहले तो आपको टर्म सिंबल्स के बारे में प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए कि हमारे पास टर्म सिंबल्स क्या क्या होती हैं, तो वो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा, मैंने पहले डिस्कस की हुई है। माइक्रोस्टेट्स के बारे में और ऑर्गल एनर्जी लेवल डायग्राम्स के आपको नॉलेज होने चाहिए, वो मेरे चैनल पर अपलोडेड है इस प्लेलिस्ट में। तो ये हमारे लास्ट वीडियो है अबाउट द चैप्टर इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा ऑफ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्सेस, तो आप उस प्लेलिस्ट में जाके पहले वो वीडियो वॉच कर सकते हैं, फिर ही आप ये वीडियो को वॉच करिए, राइट। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं विद D2 configuration. Sorry, I would have told here D2 term. Okay, तो D2 term के बारे में हमने बताना है, तो D2 term हमारी कौन सी configuration के लिए obtain होती है, हमने पढ़ा हुआ है D1 और D9 के लिए हमारे पास D2 term आती है, ground state term, ये हमने पहले भी पढ़ी हुई है, so kindly please watch that videos. ओके, तो अब हम D2 टर्म के लिए हमें पता है कि D9 और D1 का एक दूसरे से इन्वर्स में ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम बनता है। तो मैं यहाँ पर इन दोनों के पहले तो ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम्स बना देता हूँ, जस्ट वेट अ सेकंड। अब फ्रेंड्स देखो, यहाँ पर मैंने D2 टर्म लिख दूंगा कि हमारे पास ऐसे ही हमने डायग्राम बनाया था पहले भी, ये D2 टर्म है। ओके, अब D2 टर्म की स्प्लिटिंग जो होती है D1 में हमारी नॉर्मल स्प्लिटिंग होती है और D9 के केस में हमारी जो है इन्वर्स स्प्लिटिंग होगी। तो D2 टर्म जो है एट स्प्लिट्स इनटू टू सेट्स, हमने पढ़ा हुआ है डी जो है डी ऑर्बिटल दैट स्प्लिट्स इनटू T2G एंड EG ऑर्बिटल्स, है ना। उसी तरीके से हमारे ये मॉलिक्यूलर सिंबल्स डाल दिए हमने फॉर D2 टर्म स्प्लिटिंग। देखो ये दो टर्म्स आ गई। अब यहाँ पर स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2 है तो हम यहाँ पर इनकी 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी लिख देंगे। अब यहाँ पर D9 के केस में ये हमारा हो गया D1 कॉन्फ़िगरेशन के लिए। अब D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए क्या होता है, हमारे पास ये जो हमारी जो है स्प्लिटिंग होगी बस इसे इन्वर्स कर देंगे, पहले हमारा EG लेवल आ जाएगा 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी का और फिर हमारा 2 T2G आ जाएगा, मतलब स्पिन मल्टीप्लिसिटी इसकी 2 है फॉर दी D9 कॉन्फ़िगरेशन। अब ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम से हम तनाबे सुगाटो डायग्राम में कैसे जाएंगे, तनाबे ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम जो है हर टर्म की स्प्लिटिंग नहीं शो कर पाता था, पर लेकिन तनाबे सुगाटो डायग्राम में हर टर्म की स्प्लिटिंग जो है शो हो सकती है, बिकॉज ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम का एक ये लिमिटेशन थी कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था Part 9 में कि हमारे पास ये जो डायग्राम है ये सिर्फ एक जो स्प्लिट कर रही है टर्म उसका ही डायग्राम बनाएगा, पर लेकिन जो स्प्लिट नहीं करती उनका डायग्राम ये नहीं इंक्लूड करता। तो यहाँ पर देखो, ये अगर जैसे D2 टर्म है ये स्प्लिट कर रही है इसका तो डायग्राम बन जाएगा, पर लेकिन जो नहीं स्प्लिट करती उनका डायग्राम यहाँ पर बनाना मुश्किल होता है। तो तनाबे सुगाटो डायग्राम ने हमें हेल्प की कि हम सारी टर्म्स के डायग्राम्स बना सकें। ओके, तो यहाँ पर एक पहले तो मैं आपको डिस्क्राइब करूँगा तनाबे सुगाटो डायग्राम को करेंगे कैसे, बिकॉज यहाँ पर एक जनरल था, मैं यहाँ पर एक ओवरव्यू दे रहा हूँ आपको कि तनाबे सुगाटो डायग्राम में हमारे पास एक राका पैरामीटर होता है बी, है ना, एक सी पैरामीटर भी होता है। बी और सी दोनों ही क्या होते हैं, राका पैरामीटर आर द पैरामीटर्स जो कि हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, स्ट्रेंथ ऑफ द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग से रिलेशन रखते हैं। ओके, तो अगर हम राका पैरामीटर से एक ग्राफ बनाएं, हमारे पास जो तनाबे सुगाटो डायग्राम में एक हमारी जो है E/B का ग्राफ बनता है। ओके, और जो हमारे पास सेकंड है दैट इज़ DQ/B का ग्राफ बनता है, मतलब इन दोनों के रिलेशन का हमारे पास ग्राफ बनेगा। जैसे DQ जो है 1, 2, 3 ऐसे जा सकता है और E/B जो होती थी 10, 20, 30, इस तरीके से हमारे पास ये
डायग्राम चलेगा। ओके सो ये मैंने एक जनरल बता दिया कि तनावे सुगानो डायग्राम ऐसा होता है। अब हम D1 कॉन्फ़िगरेशन और D9 कॉन्फ़िगरेशन के लिए तनावे सुगानो डायग्राम बनाएंगे। सो लेट मी पुट हियर द डायग्राम फर्स्ट। अब देखो फ्रेंड्स, तनावे सुगानो डायग्राम के लिए हम एक ओरिजिनल एनर्जी लेवल डायग्राम को ही मॉडिफाई करते हैं। ये ऑगर डायग्राम में जैसे ही हमारे पास ये T2G हमारी यहाँ पर से देखा जाए तो सबसे लोएस्ट एनर्जी वाली टर्म है। तो सबसे जो लोएस्ट एनर्जी वाली टर्म होती है वो हमारी ग्राउंड स्टेट बन जाती है इन द तनावे सुगानो डायग्राम। तो अगर मैं इसको हमारे सेम पेन से रिप्रेजेंट करूँ कि हमारे पास ये जो टर्म है इसे एज अ स्ट्रेट ले आएंगे, मतलब इसे थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं ताकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाए। सो जो भी हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन होती है दैट इज़ अवर ग्राउंड स्टेट टर्म। तो ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई एंड इसका नाम क्या है आउट दी दिस इज द टर्म फॉर T2G। ओके ये T2G लेवल है। अब EG जो लेवल है अगर इससे थोड़ा सा इस तरीके से ऊपर है तो इसकी लाइन भी अगर इसे ऊपर लेके आए तो ये जो EG को भी ऊपर ले जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा EG को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द तनावे सुगानो डायग्राम। ओके तो ये हमारा इजी सा एक डायग्राम है। लोएस्ट एनर्जी स्टेट को हमने ग्राउंड स्टेट को हमने हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट करना है और जो एक्साइटेड स्टेट है उसको थोड़ा सा ऊपर रिप्रेजेंट कर देना है। ओके अब इनमें जो है हमारी इलेक्ट्रॉन्स की ट्रांजिशन जो होती है वो एक ही ट्रांजिशन होती है। तो ये हमारे एब्जॉर्प्शन को एक्सप्लेन कर देगा कि एक बैंड क्यों आ रहा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में, बिकॉज ये T2G से EG तक एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल हो रही है। उसी तरीके से अगर सेकेंड डायग्राम आप देखें तो इसमें EG नीचे है। तो मैं यहाँ पर लेबलिंग आप खुद कर लीजिएगा, लेबलिंग प्लीज़ ग्राफ की होनी चाहिए, होनी चाहिए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि ये लेबलिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ओके तो ये एक और बात यहाँ पर लिख लेनी है कि आपने ये D2 टर्म की हम स्प्लिटिंग शो कर रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी D2 टर्म की स्प्लिटिंग अगर शो करनी है तो EG वाला लेवल नीचे है। तो मैं EG को यहाँ पर ग्राउंड स्टेट बना दूंगा। ओके तो ये आई थिंक आपको कलरफुल पेन से ज़्यादा अच्छे समझ आ रहा होगा। ओके तो EG जो है हमारा E2G इस तरीके से होगा EG, और T2G थोड़ा सा ऊपर है तो इसी तरीके से अगर इसको थोड़ा सा ऊपर लेके आए तो EG को और T2G को भी ऊपर ले जाएंगे। तो हमने T2G को इस तरीके से लिख दिया और इसके स्पिन वेलोसिटी 2 है। ओके अब इनमें भी क्या है, एक ही ट्रांजिशन पॉसिबल है फ्रॉम EG टू T2G। तो इस ये एक्सप्लेन करता है कि D9 में और D1 में हमारे पास एक ही बैंड क्यों आता है, बिकॉज ऑफ दी तनावे सुगानो डायग्राम दैट इज ड्रॉन लाइक दिस। ओके सो आई थिंक आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया फॉर द D1 एंड D9 कॉन्फ़िगरेशन। अब हम शुरू करेंगे अबाउट द तनावे सुगानो डायग्राम ऑफ D2 एंड D8 कॉन्फ़िगरेशन। जैसे हमने पहले करे थे ऑगल डायग्राम में वैसे ही हम D2 और D8 कॉन्फ़िगरेशन के भी डायग्राम बनाएंगे। सो जस्ट वेट अ सेकेंड, टेक अ स्क्रीनशॉट। अगर आपने कुछ नहीं लिखा तो वैसे तो सारा कुछ लास्ट में नोट डाउन कर लीजिए। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है फिर से वॉच कर लीजिए वीडियो, नहीं सॉल्व हो रहा तो मेरे से आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थोड़ा सा फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर पहले ही लिख दिया है क्या, ताकि हमारी वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। तो पहले तो मैं इस टॉपिक को आगे कंटिन्यू करने से पहले आपको कहूँगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बिकॉज हम इसी तरीके की वीडियोस मोस्टली अपलोड करने की कोशिश करते हैं कि आपको सारे जो हैं डायग्राम्स या जो भी हमारे कॉन्सेप्ट होते हैं फिजिकल इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, वो हम आपको द बेस्ट वे की ताकि कलरफुल लेक्चर्स के वे से हम आपको रिप्रेजेंट कर पा पाए। ओके तो अब शुरू करते हैं अबाउट द D2 कॉन्फ़िगरेशन, हमारा जो है तनावे सुगानो डायग्राम। अब D2 में हमें पता है कि हमारे पास जो टर्म है, जो टर्म सिंबल्स हैं D2 के लिए, वो हमारे पास जो मेन टर्म सिंबल्स आ रहे हैं दैट इज F3 P3 D1 S1 एंड G1। ओके ये हमारी जो टर्म सिंबल्स आ रहे हैं, बट लेकिन हमारे हमें पता है कि जो हमारे स्पिन सिलेक्शन रूल और लेपॉटे सिलेक्शन रूल क्या कहता था कि हमारे पास जो स्पिन मल्टीप्लिसिटी है अगर सेम होगी तभी हमारी ट्रांजिशंस पॉसिबल होंगी। तो इसमें तो D1 S1 G1 बहुत सारी ट्रांजिशंस हो सकती हैं D2 के डायग्राम में। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, मैं यहाँ पर पूरी शर्मा कालिया की बुक को फॉलो कर रहा हूँ फॉर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आप वो फॉलो करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सेम बुक से मैं यहाँ पर डायग्राम्स ड्रॉ कर रहा हूँ, पर लेकिन मैं इन डायग्राम को थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहा हूँ ताकि आपको ये अच्छे से समझ आना शुरू हो जाए। ओके अब यहाँ पर आप देखिए कि जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया हुआ कि हमारे पास ये जो टर्म्स होती हैं ये स्प्लिट करती हैं, तो यहाँ पर बहुत सारी स्प्लिटिंग होगी, बहुत सारा कॉम्प्लेक्स डायग्राम बन सकता है। इसको अवॉइड करने के लिए मैं सिर्फ जो मेन हमारे जो है टर्म्स हैं जिनके ट्रांजिशंस पॉसिबल हो रही हैं उनको ही मैं यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँगा। ओके जैसे हमें पता है कि हमारे पास जो F3 टर्म है और जो P3 टर्म है ये दोनों ही टर्म्स क्या करती हैं, ये स्प्लिट कर जाती हैं। हमने पहले पढ़ा था कि हमारे पास वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी ये स्प्लिट करती हैं। ओके जो हमारी डेफिनेशन पढ़ी थी तनावे सुगानो डायग्राम की, अगर F टर्म देखा जाए तो F टर्म जो है अगर यहाँ पर वीक फील्ड है तो F टर्म के हमारे पास
यहाँ पर एक लेवल आ जाएगा यहाँ तक, और पी टर्म भी एक लेवल तक पहुँच जाएगी, और इन दोनों के बीच में जो राका पैरामीटर का डिफरेंस है दैट इज 15 बी। ये आपने याद रखना है, 15 बी हमारा राका पैरामीटर का डिफरेंस है। ये हमारा पहुँच गया वीक फील्ड तक। ओके, ये वीक फील्ड तक की हमारे पास रेटिंग आ गई कि हमारे पास दोनों के लिए हमारे पास एक टर्म्स आ गई। अब F3 के लिए जो हमारी टर्म होती है दैट इज अवर टर्म नोन एज T1G। ओके, अगर F के लिए देखा जाए तो 3T1G इसकी टर्म होगी फॉर द वीक फील्ड, एंड इसकी जो टर्म होती है दैट इज 3T2G फॉर द वीक फील्ड। ओके, अब जब इसको और स्ट्रॉन्ग फील्ड में आप स्प्लिट करवाएंगे, ओके, जब मैं इसे स्ट्रॉन्ग फील्ड में स्प्लिट करवाऊंगा तो हमारे पास क्या देखा जाता है कि और थोड़ी सी वीक फील्ड को और थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाया तो हमारे पास उसमें 3 लेवल्स स्प्लिट होके आ जाते हैं। ओके, वो कैसे लेवल्स होते हैं? ये T1G जो है वो T1G ही रहेगा, ये फिर एक T2G में स्प्लिट हो जाएगा, और ये एक A2G में स्प्लिट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमारे पास ये जो है F3 टर्म ये 3 लेवल्स में स्प्लिट हो रही है। ये भी हमारे पास अभी वीक फील्ड ही आ रही है, मतलब पहले जो बिल्कुल ही वीक फील्ड थी उससे थोड़ी सी स्ट्रांग होगी। और आप देखिए कि हमारे पास जो इनका एनर्जी डिफरेंस है, जो ये हमारे पास T2G और ये वाले जो है T1G, ये ऊपर वाले जो है T2G का डिफरेंस ये सेम रहता है। सॉरी, यहाँ पर एक मिस्टेक होगी हमारे से, ये T1G आएगा। ओके, अब यहाँ पर जो हमारा T1G नीचे वाला है उससे ऊपर हमारे पास T2G लेवल है। T2G लेवल से यहाँ वाले T1G तक का ये डिस्टेंस जो है वो 15 बी कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, ये 15 बी हमने कांस्टेंट रखना है, ये हमारा T1G हो गया। ओके, अब इससे ज़्यादा जब स्प्लिटिंग होगी, इससे ज़्यादा जब स्प्लिटिंग होगी इन द स्ट्रॉन्ग फील्ड तो वो कैसे होगी? हमारे पास जो T1G लेवल था ये वाला, ये हमारा थोड़ा सा ही हाई एनर्जी पर जाएगा, दैट इज 3T1G फॉर F हमारा सेम रहेगा। ओके, अब T2G थोड़ा सा और ऊपर चला जाएगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गई, यहाँ पर मैं लिखता हूँ स्ट्रॉन्ग फील्ड। ये दोनों हमारे जो स्टार्टिंग वाले थे दैट वॉज वीक फील्ड, अब ये स्ट्रॉन्ग फील्ड आ गई, तो T2G थोड़ा सा और ऊपर चला गया। अब A2G जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पर चला गया बिकॉज इट इज सिंगली डिजनरेट, सो ये A2G और ऊपर चला गया, दिस इज़ फॉर F। एंड ये T1G जो है इसका ये जो T2G है इससे सेम ही डिफरेंस रहता है, दैट इज़ लाइक दिस, तो ये T1G यहाँ पर आ जाएगा फॉर P। ओके, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मतलब कांस्टेंट रहेगा 15 बी। अब आप देखिए इस तरीके से स्ट्रॉन्ग फील्ड में मैं इसको डायग्राम यहाँ पर D2 के लिए प्लॉट करूँगा। ओके, तो यहाँ पर जैसे हमारे पास समझ लो ये जो ग्राउंड स्टेट टर्म है F3, मैं ये पुट रख दूंगा, और एक हमारी जो है हमारी P2 टर्म है, P3 टर्म है, वो मैं यहाँ पर 10 और 20 के बीच में इस तरीके से ले दूंगा। ठीक है, ये P3 टर्म आ गई। अब यहाँ पर आप देखिए ये F जो है इसका जो हमारा सबसे लोएस्ट लेवल होता है जिससे कि ट्रांजिशंस पॉसिबल है, ग्राउंड स्टेट टर्म है, उसको सबसे नीचे लिख देंगे हॉरिजॉन्टल लाइन के अराउंड। तो मैं यहाँ पर हॉरिजॉन्टल के साथ साथ ही एक लाइन बना रहा हूँ, और ये हमारी टर्म होगी T1G3। ओके, अब नेक्स्ट जो है T2G को थोड़ा सा और ऊपर बनाएंगे। अब T2G को और ऊपर कैसे बनाएंगे कि हमारे पास ये जो है थोड़ा सा T2G यहाँ पर पहुँच गया 3 में। ओके, अब जो हमारा A2G है, हमने पढ़ा कि वो बहुत ज़्यादा स्प्लिट कर जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी पर चला जाता है, तो A2G हमारा कुछ इस तरीके से हम ड्रॉ कर देंगे। अब जो P3 टर्म है, P3 टर्म का मैं डिफरेंट पेन यूज़ करके बनाता हूँ। P3 टर्म जो है उसका जो है हमारा ये इसके पैरेलल लाइन रहेगी, 15 बी का डिफरेंस रहेगा, तो ये हमारे पास T1G हमारा फॉर P आ गया, एंड दिस इज़ फॉर F आ गया, राइट। अब आप देखिए हमारे पास यहाँ पर बैंड्स कितने आएंगे हमारे अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में। एक हमारा ग्राउंड स्टेट से ये वाली ट्रांजिशन हो रही है, दिस इज़ फर्स्ट ट्रांजिशन, फिर हमारी एक और ट्रांजिशन हो रही है T1G तक, सेकेंड ट्रांजिशन, और एक हमारी ट्रांजिशन हो रही है थर्ड ट्रांजिशन टिल A2G। अब जैसे D1 और D9 में हमने पढ़ा था कि हमारे पास इनवर्स होगा बस एनर्जी लेवल्स का, उसी तरीके से हमारे जो D2 और D8 हैं इसमें भी क्या होता है, सिर्फ इन्वर्स होता है हमारे एनर्जी लेवल्स का। ओके, अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर A2G जैसे हाईएस्ट एनर्जी पर था, तो D8 में क्या हो जाएगा, A2G हमारा
लोएस्ट एनर्जी पर आ जाएगा, और टी वन जी लोएस्ट एनर्जी पर था तो टी वन जी हमारा हाईएस्ट एनर्जी पर आने की कोशिश करेगा इन द एफ टर्म। अब यहाँ पर देखिए एफ थ्री जो है उसका सबसे नीचे क्या आ जाएगा, दैट इज अवर ए टू जी, और थ्री एफ है तो थ्री ए टू जी। ओके, अब उसके ऊपर जो हमारा जाएगा दैट इज जो टी टू जी है वो हमारा रहेगा, ये हमारी टी टू जी होगी थ्री पर। और जो हमारे पास एक बात ध्यान रखनी है कि हमारे पास जो यहाँ पर पी है पी थ्री में भी टी वन जी है, और यहाँ पर एफ थ्री का जो लास्ट रह गया वो भी टी वन जी है। तो दोनों टी वन जी आपस में क्या करते हैं, दे गेट रिपेल्ड फ्रॉम ईच अदर। तो रिपल्शन के कारण ये जहाँ पर जो सीधी लाइन जानी थी बट लेकिन वो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इन्वर्ट होगी, तो टी वन जी यहाँ पर इस तरीके से हम लिखेंगे बिकॉज यहाँ पर रिपल्शन होगी बिटवीन टी वन जी ऑफ एफ एंड टी वन जी ऑफ पी। तो अभी मैं पी के लिए बनाऊंगा, तो पी के लिए कैसे बनेगा, ये पी है तो यहाँ पर इस तरीके से रिपल्शन होके यहाँ पर टी वन जी यहाँ पर पहुँच जाएगा। ओके, तो ये हमारा पी के लिए है। ओके, तो इस तरीके से हमारा तनाबे सुगानो डायग्राम बनेगा फॉर डी एट कॉन्फ़िगरेशन। और इसमें अगर ट्रांजिशंस की बात देखी जाए तो ट्रांजिशंस इसमें भी थ्री होंगी पर लेकिन थोड़े डिफरेंट वे से होंगी, पहले ए टू जी की ट्रांजिशन, ए टू जी से टी टू जी तक, फिर ए टू जी से टी वन जी फॉर एफ तक, फिर ए टू जी से टी वन जी फॉर पी तक। इस तरीके से हमारी जो है यहाँ पर ट्रांजिशंस होंगी। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गए। अब नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं अबाउट दी तनाबे सुगानो डायग्राम ऑफ डी थ्री कॉन्फ़िगरेशन। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब फ्रेंड्स देखो डी थ्री कन्फिग्रेशन अगर हमारे पास है तो डी थ्री में हमारे पास जो मेन ग्राउंड स्टेट टर्म्स आएंगी दैट इज एफ फोर, राइट, फोर एफ हमारी ग्राउंड स्टेट टर्म होती है। और उसी के साथ हमने देखा हुआ है ऑगल एनर्जी लेवल डायग्राम में कि हमारे पास पी फोर भी इसी के साथ ही हमारी आती है बिकॉज ये नियर अबाउट सिमिलर एनर्जी पर होती है। तो एफ फोर को मैं जैसे यहाँ पर लिखूंगा, ओके, एफ जो है हमारी तीन लेवल्स में स्प्लिट कर जाती है इंटू हमारा एक टी वन जी, एक टी टू जी और एक ए टू जी, राइट। बट लेकिन ये थ्री थ्री सिस्टम है, डी थ्री जो है टू इलेक्ट्रॉन्स लेस देन द हाफ इट्स स्टेबल है, तो इसमें क्या होगा हमारी होल फॉर्मुलेशन होगी। तो होल फॉर्मुलेशन का मतलब उल्टा डायग्राम बनेगा, मतलब हमारे पास ए टू जी कन्फिग्रेशन विल बी अ ग्राउंड स्टेट कन्फिग्रेशन। तो अगर मैं इसे लेबल कर देता हूँ पहले तो कि यहाँ पर ये डी क्यू बाई बी का है, ये ई बाई बी का एक्सेस है, यहाँ पर ये 10, 20, 30, 40 एंड 50, इसी तरीके से 1, 2, 3, 4। ओके, अब यहाँ पर ए टू जी हमने ग्राउंड स्टेट पर बना दी। अब जो एफ फोर है वो आगे जो लेवल पे स्प्लिट करती है दैट इज टी टू जी, तो यहाँ पर एक टी टू जी लेवल बना देंगे, इन दोनों की स्पिन वर्टिसिटी भी 4 ही होगी। ओके, अब यहाँ पर देखा क्या जाता है कि ये जैसे डी एट कन्फिग्रेशन थी वैसा ही डायग्राम बन रहा है, दोनों में होल फॉर्मुलेशन हो रही है। अगर मैं यहाँ पर पी थ्री हमारे पी फोर हमारी टर्म को लिखूँ तो पी फोर में भी जो हमारा मुलिकन टर्म से बुलाएगा दैट इज टी वन जी, और एफ फोर में भी हमारे पास टी वन जी जो है हाईएस्ट वाली आने वाली है। तो पी फोर का और एफ टी वन जी फॉर एफ फोर का दोनों का ही रिपल्शन होगा। तो एक कैसे होगा, ये एक डायग्राम ऐसे जाएगा, और जो एफ के केस में हमारे पास डायग्राम कुछ इस तरीके से रिपेल होके जाएगा। ओके, तो यहाँ पर टी वन जी फोर फॉर एफ एंड ऊपर वाले में टी वन जी फोर फॉर पी। ओके, तो इस तरीके से हमारा तनाबे सुगानो डायग्राम बन गया फॉर दी डी थ्री कन्फिग्रेशन। मैं आपको पहले भी बता रहा हूँ कि बार बार बता रहा हूँ कि इसमें बहुत सारे ट्रांजिशंस और भी पॉसिबल हैं पर लेकिन मैं उनको यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर रहा बिकॉज हमारा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स डायग्राम हो जाएगा। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, वो वाली ट्रांजिशन भी लिखी होंगी, और ये वाली वीडियो देखकर आप कह नहीं सकते कि आपको ये समझ ना आया हो। आपकी बुक में जो भी चीज़ होगी वो आपको सारी की सारी यहाँ से इस वीडियो से क्लियर होनी शुरू हो जाएगी। अब नेक्स्ट हमारे पास, हमने देखो मैंने आपको बता रहा हूँ कि डी वन सिस्टम डिस्कस कर लिया, डी टू डिस्कस कर लिया, डी थ्री डिस्कस कर लिया, फिर उसके बाद डी एट और डी नाइन डिस्कस कर लिए। अब डी फोर, डी फाइव, डी सिक्स और डी सेवन, चार सिस्टम्स हमारे रह गए हैं। इन चार सिस्टम को हम थोड़ा सा, ये इनके थोड़े से कॉम्प्लेक्स डायग्राम से थोड़ा सेपरेटली डिस्कस करते हैं। इनमें क्या है कि हमारे पास वीक फील्ड और स्ट्रॉन्ग फील्ड में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डिफरेंस आ जाता है। जैसे हमने वो चैप्टर पढ़ा है ना, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्सेस, राइट, तो उसी के हिसाब से हमारे पास यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डिफरेंस आ जाएगा,
तो ये ट्रांजिशनल कॉम्प्लेक्सेस वाले जो भी चैप्टर हैं वो भी आपको आने चाहिए इस वीडियो को क्लियर करने के लिए। ओके, तो नेक्स्ट अब मैं डिस्कस करता हूँ ये वाले डायग्राम्स। सो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, ये जो है इस पेज को देख के आपको थोड़ा सा लग रहा हो कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, पर लेकिन इतना भी कॉम्प्लेक्स नहीं है। जैसे मैं आपको समझाता जाऊंगा, काइंडली आप उसके नोट्स बना दीजिए। अगर मेरी स्पीड आपको ज़्यादा फास्ट लग रही है तो 0.75x पर ये वीडियो चलाकर देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पर देखिए कि ये वाली जो है कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड में D4 की कैसे रहती है। हमारे पास D4 में चार इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन जो है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बना देंगे द D4 नॉर्मल कॉन्फ़िगरेशन वीक फील्ड में। बट लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फील्ड आ जाती है तो हमारे पास दो इलेक्ट्रॉन्स की पेयरिंग हो जाती है, मतलब ये वाला जो है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन था यहाँ पर आ गया और पेयरिंग हो गई। ओके, अब जो हमारे पास देखा जाए कि वीक फील्ड में अगर हमारी जो है टर्म सिंबल क्या आता है, दैट इज D5 फॉर दिस D4 कॉन्फ़िगरेशन। अब D5 जो टर्म सिंबल है, इसके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म होती है दैट इज EG5, है ना। एक हमारे पास T2G होती है और एक हमारे पास EG होती है, तो EG5 हमारे पास आ जाएगा। उसी तरीके से यहाँ पर देखा जाए तो ये स्ट्रॉन्ग फील्ड में हमारे पास जो टर्म सिंबल आता है दैट इज H3, और H3 की हमारे पास ग्राउंड स्टेट टर्म जो आती है दैट इज T1G। ये मुलिकन टर्म सिंबल्स हैं ग्राउंड स्टेट के लिए। तो ये हम थोड़ा थोड़ा हमने पहले पढ़ा हुआ है, इसको अभी अभी ये याद कर लीजिए। तीन डायग्राम्स मैं इस पेज पर डिस्कस करूंगा, ज़्यादा जगह नहीं थी तो फोर्थ डायग्राम नहीं डिस्कस कर पाऊंगा, पर लेकिन तीनों को आप कंपेयर करिएगा कि ये इसके हिसाब से ही बनेंगे। ओके, अब नेक्स्ट जो है D5 के केस में हमारे पास क्या है कि पहले तो हमारे पास पाँच इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड थे इन द वीक फील्ड, पर लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड जब हुई तो दो इलेक्ट्रॉन्स ऊपर से आके नीचे पेयरिंग हो गई, तो यहाँ पर पेयरिंग वाला कॉम्प्लेक्स बन गया। अब यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म जो होगी D5 के लिए दैट विल बी S6। अब ये तो स्प्लिट करती नहीं है, तो इसकी जो है सीधी सी ग्राउंड स्टेट टर्म क्या आ जाएगी, A1G6, राइट। और जो हमारे पास D5 का स्ट्रॉन्ग फील्ड कॉम्प्लेक्स है, इसमें I2 हमारी जो है टर्म बनेगी। ओके, एंड ये भी स्प्लिट तो करती है, बट लेकिन इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है दैट इज T2G2, ये टू हमारी स्पिन मल्टीप्लिसिटी रहेगा। ओके, अब नेक्स्ट जो D6 कॉन्फ़िगरेशन है उसके लिए देख लीजिए। D6 में हमारे पास क्या है, पहले तो सिक्स इलेक्ट्रॉन्स हमने अनपेयर्ड फिल करने हैं, तो ये फाइव हो गया और एक सिक्स हो गया, पर लेकिन अब जब स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा तो हमारे पास पेयरिंग करा देंगे, ये तीन आ गए, चार पाँच और छः। ओके, तो इस तरीके से हमारी पेयरिंग होगी। ज़्यादा अगर थोड़ा सा जूम करना पड़ रहा है तो काइंडली देख लीजिए, बिकॉज इस एक पेज पर मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर करानी थी, इसलिए मैंने थोड़ा छोटा छोटा यहाँ पर बना दिया। ओके, अगर आपको ज़्यादा नहीं समझ आ रहा तो कंप्यूटर में देख सकते हैं मेरी वीडियो थोड़े से बड़े स्क्रीन पर, और अच्छी क्वालिटी में देखिए, इसकी क्लियरेंस आपको खुद ही पता लग जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट हमारे पास है जो D6 के लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है फॉर द वीक फील्ड दैट इज D5। ओके, जैसे वीक फील्ड फॉर T4 है, उसके लिए D6 के लिए भी D5 टर्म्स रहेंगे, और इनके लिए जो ग्राउंड स्टेट टर्म है बस इसकी इन्वर्स हो जाएगी। इसके लिए EG5 थी और ये तो है 10 माइनस 4 है तो 6 है, तो इसकी उल्टा हो जाएगा, T2G5 हो जाएगी ग्राउंड स्टेट टर्म। ओके, एंड यहाँ पर जो D6 का स्ट्रॉन्ग फील्ड है उसके लिए हमारे पास जो टर्म रहेगी दैट इज I1, और I1 के लिए मुल्कन टर्म सिंबल फॉर द ग्राउंड स्टेट एल वी A1G1। ओके, तो ये हमारे मुलिकन टर्म सिंबल्स कर लिए। D7 के लिए मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, बिकॉज उसका डायग्राम नेक्स्ट पेज पर बनाना है। तो पहले ये चीज़ें अब यहाँ पर आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। दो पेंस की हेल्प लूँगा मैं, दो डिफरेंट कलर्स की हेल्प से मैं यहाँ पर आपके लिए स्प्लिटिंग शो करूँगा। अब ये जो है आप देख रहे होंगे 2.7, 2.8, 2.0, है ना, 2 है सिंपल। तो ये मैंने यहाँ पर लेबलिंग नहीं करी, ये ई बाय क्यू सॉरी DQ/B का है, और इसमें 1, 2, सॉरी 2, 3 इस तरीके से हमारे पास लेबलिंग होती है, तो ये खुद कर लेना, राइट। एंड E/B का यहाँ पर होगा जिसमें 10, 20, 30 इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज़ यहाँ पर हम प्लॉट करते हैं। तो ये मैं सिर्फ यहाँ पर आपको डायग्राम क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सारा कुछ आपको अपनी बुक्स में मिल जाएगा। ओके, अगर आपको इस डायग्राम की फ़ोटोज़ चाहिए तो मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, या फिर मुझे इंस्टाग्राम पर मार्कर मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको इसकी फ़ोटोज़ भी भेज दूँगा फ्रॉम द बुक। ओके, अब D5 कॉन्फ़िगरेशन का देखा जाए तो यहाँ पर मैं अपना D5 लिख लेता हूँ। अब D5 जो है उसका ग्राउंड स्टेट D जो है टर्म दैट स्प्लिट्स इनटू T2G एंड EG। अब इसकी ग्राउंड स्टेट अगर EG है तो ये हमारे पास ग्राउंड स्टेट रहेगी EG। ये हमारा वीक फील्ड का कर्व है और ये हमारा स्ट्रॉन्ग फील्ड का कर्व है,
जैसे यहाँ पर है तो वीक फील्ड में, जैसे हमारे पास ये ग्राउंड स्टेट टर्म है ई जी, तो मैं यहाँ पर इसको लिखता हूँ ई जी एंड ये 5 आ जाएगा स्पिन मल्टीप्लिसिटी। और इसका जो है जो हायर एनर्जी लेवल है दैट इज लाइक दिस, तो उसका जो है टी टू जी है, तो टी टू जी 5 यहाँ पर आ गया इसका हायर एनर्जी लेवल। सिमिलर वे यहाँ पर इसकी जो है हायर एनर्जी जो है टर्म है दैट इज एच थ्री। ओके, एच थ्री जो है ये आगे 4 लेवल्स में स्प्लिट करती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा मैं इस तरीके से बनाऊंगा, एक ये आ जाएगा राइट, एक यहाँ पर, फिर एक यहाँ और यहाँ। ध्यान से समझिएगा कैसे बनाया है। एच थ्री का जो ग्राउंड स्टेट है सबसे नीचे वाला टी वन जी है, तो मैं टी वन जी को इस एक्सेस पर यहाँ ड्रॉ करूँगा। तो ये हमारा टी वन जी बन जाएगा 3 के लिए। अब ये जो है नेक्स्ट हमारे पास होती है इसकी टर्म दैट इज ई जी। ई जी जो है वो इस तरीके से आएगी ऊपर को, एंड ई जी भी यहाँ पर 3 में ही आ जाएगी। फिर नेक्स्ट जो है यहाँ पर टी वन जी आती है 3 पर, तो हम कैसे बनाएंगे इसे लाइक दिस, टी वन जी 3। ओके, और यहाँ पर एक और आएगा टी टू जी 3। ये 4 लेवल्स इस तरीके से आ जाते हैं। और जो देखा जाए तो ये वाले जो पुराने लेवल्स हैं ये डी टर्म के लिए, ये कैसे आ जाते हैं, एक हमारे पास जो है ई जी 5 यहाँ पर आ जाएगा, और टी टू जी जो है वो हाईएस्ट एनर्जी पर चला जाएगा इस तरीके से। अब इसमें ट्रांजिशंस के 4 बैंड्स आते हैं, 4 बैंड्स सॉरी 3 बैंड्स आते हैं। तो 3 बैंड्स कैसे आते हैं, जब हम इसके ट्रांजिशन शो करते हैं तो टी वन जी से एक ट्रांजिशन जाएगी यहाँ पर, एक टी वन जी से टी वन जी पर, और क्योंकि स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल हमने लगाना है तो ये स्पिन मल्टीप्लिसिटी अलाउड ट्रांजिशंस है। और यहाँ पर वीक फील्ड में एक ही बैंड आता है दिस बैंड, क्योंकि ये ग्राउंड स्टेट ई जी से टी टू जी तक जा रहा है। तो ये हमारा हो गया तनाबे सुगानो डायग्राम फॉर डी फोर कन्फिग्रेशन। आप अपनी बुक्स में देखिएगा, अब आपको ये बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, समझ भी आएगा, आई गारंटी यू राइट। अब सेकंड जो हमारे पास डायग्राम है फॉर दिस डी फाइव, ओके, डी फाइव सिस्टम के लिए यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, तो जैसे मैं पेन चेंज कर लेता हूँ। अब डी फाइव के लिए ये जो है हमारे पास दिस इज द टर्म S6 है ना, S6 है इसकी सबसे नीचे वाली टर्म, और ये तो स्प्लिट होती नहीं है, तो ये इसको यहाँ पर ऐसे लिख देंगे, ये हमारी इसका नेम आ जाएगा, ग्राउंड एमोलिकन टर्म सिंबल आ जाएगा A1G6। ओके, और A1G6 जो है अगर इसको स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखा जाए तो इस तरीके से ये हाई एनर्जी पर चला जाता है A1G6 में राइट। तो नेक्स्ट जो है हमारे पास इसका जो है D5 कॉन्फ़िगरेशन की, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड में देखा जाए तो I2 हमारा जो है नेक्स्ट लेवल होता है, तो I2 के लिए मैं दूसरा पेन यूज़ करूँगा, ये वाला, ये हमारा I2 है। ओके, अब I2 जो है इट स्प्लिट्स इनटू अगेन 5 लेवल्स। ओके, तो 5 लेवल्स जो है, पहला जो है लेवल है वो यहाँ पर आ जाएगा, इसका जो ग्राउंड स्टेट है दैट इज टी टू जी, तो टी टू जी यहाँ पर आ जाएगी दैट इज लाइक दिस इन द वीक फील्ड। ओके, टी टू जी 2, और उसके बाद हमारे पास और जो लेवल्स आते हैं वन इज लाइक दिस A2G2, देन नेक्स्ट इज थोड़ा सा इसके करीब ही है AG2, देन नेक्स्ट T2G2, एंड एट द लास्ट वी हैव A1G2। अब इसमें अगर ट्रांजिशन शो करनी है तो इसमें 4 ट्रांजिशंस होती हैं, वो कैसे होती है कि हमारे पास ये यहाँ से एक ट्रांजिशन होती है, फिर 2AG, देन T2G, और लास्ट जो हमारे हिसाब से हायर एनर्जी ट्रांजिशन होती है दैट इज टूवर्ड्स A1G2। ओके, तो ये हमारी जो होगी ट्रांजिशंस पॉसिबल होगी फॉर द T2G कॉन्फ़िगरेशंस। तो ये हमारा हो गया D5 का ग्राफ। ओके, आई थिंक आपको ये भी अच्छे से समझ लग गया कि इस तरीके से हमारी जो है स्प्लिटिंग होती है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ग्राफ है दैट इज़ फॉर द D6 कॉन्फ़िगरेशन। अब D6 कॉन्फ़िगरेशन में हमारे पास फिर से D5 है, तो
तो D5 को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ D5। अब D5 लेवल स्किन में स्प्लिट होगा, एक T2G में स्प्लिट होता है, T2G में, और एक EG में, ये हमने पढ़ा ही हुआ है। यहाँ पर 5 है तो ये 5 5 आ जाएगा। ओके एंड हायर एनर्जी में अगर जाते हैं तो ये EG की एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है एकदम से, EG5, एंड T2G की एनर्जी जो है वो इस तरीके से बढ़ती है, T2G5। ये हमारा हो गया D5 टर्म की स्प्लिटिंग इन द वीक फील्ड एंड द स्ट्रॉन्ग फील्ड। अब हम नेक्स्ट स्प्लिटिंग देखेंगे फॉर द टर्म I1, है ना, दूसरी टर्म जो है I1 है जिसका हमने रोल प्ले देखा है। तो इसका जो ग्राउंड स्टेट टर्म है दैट इज A1G, तो ये यहाँ पर ग्राउंड स्टेट टर्म A1G1 आ गया। ओके एंड I टर्म हमें पता ही कितने लेवल्स में स्प्लिट करती है, 5 लेवल्स में, तो सेकेंड जो है T1G में जाएगी, ये कुछ इस तरीके से T1G में जाता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट T2G लेवल में स्प्लिट करेगा, तो ये यहाँ पर T2G लेवल में स्प्लिट करता है। फिर आगे जो जाता है दैट इज अगेन यहाँ पर ही जाता है इन द लेवल EG, और एक लास्ट हमारे पास जो लेवल होता है दैट इज A2G होता है इन द वन स्टेट। तो इस तरीके से इसकी स्प्लिटिंग होगी। और यहाँ पर अब ट्रांजिशंस देखनी है, तो ट्रांजिशंस कैसे कैसे होंगी इनकी। एक हमारे पास A1G से T1G तक, फिर A1G से T2G तक, फिर A1G से EG तक, फिर ये चौथी ट्रांजिशन मैं यहाँ पर शो करता हूँ बिकॉज ये डायग्राम इतना लंबा नहीं गया। तो ये चौथी ट्रांजिशंस A1G से A2G तक, तो ये सबसे हायर ट्रांजिशन होती है। तो ये चार ट्रांजिशन होंगी D6 में, तो चार बैंड्स आएंगे इसके डायग्राम में। अब D7 जो हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, लास्ट हमारे पास D7 रह गई है। इसमें कैसे होते हैं, पहले तो अनपेयर्ड सारे इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दो इन द वीक फील्ड, और ये यहाँ पर 7 इलेक्ट्रॉन्स फिल हो गए। अब इनकी पेयरिंग करा देंगे, तो पेयरिंग कराने पर कैसे आ जाता है हमारे अरेंजमेंट, ये 2 3 4 5 6 और 1 7। ओके अब इनमें क्या होता है, D7 में हमारे पास जो बड़ी है जो वीक फील्ड है उसमें 4F टर्म हमारे पास आ जाती है फॉर द ग्राउंड स्टेट, एंड 4T1G हमारा ग्राउंड स्टेट मल्टीकल टर्म सिंबल होता है फॉर द 4F। और जो वीक स्ट्रांग फील्ड होती है उसके लिए G हमारे पास टर्म होती है द 2 स्पिन मल्टीप्लिसिटी, और इसका जो ग्राउंड स्टेट आता है दैट इज EG। ओके अब इसकी आगे जाके हम स्प्लिटिंग शो करते हैं, सो जस्ट वेट अ सेकेंड। अब देखो फ्रेंड्स, एफ टर्म जो है मैंने यहाँ पर लिख दिए तीनों टर्म्स, राइट। तो एफ टर्म के लेवल्स कितने होते हैं, 3 लेवल्स होते हैं। एक T1G, पहले तो हम बना देंगे T1G, फिर उसके ऊपर हमारे पास एक लेवल आ जाएगा T2G, और उसके बाद हमारे पास एक लेवल आ जाएगा A2G। ओके 4 स्पिन मल्टीप्लिसिटी सबकी होगी, राइट। एंड ये आगे जाकर मतलब हायर एनर्जी में स्ट्रॉन्ग फील्ड में कैसे स्प्लिट होंगे, ये T1G थोड़े से हायर एनर्जी पर चला जाएगा लाइक दिस T1G4, और T2G जो है वो हमारा और हायर एनर्जी पर चला जाएगा, ये हमारा 4T2G है। और A2G जो है ये तो बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे पर चला जाएगा दैट इज A2G4। तो स्टार्टिंग में हमारे पास इस तरीके से रहेगा। अब आपको पता है कि पी जो है वो एफ के साथ सिमिलर एनर्जी पर होता है P4 में। ओके हमने D3 में भी कर लिया इसको, तो D3 वैसे ही हमारे पास ये रहता है। तो P4 जो टर्म है उसकी जो ग्राउंड स्टेट जो हमारी मुल्किन टर्म सिंबल होता है दैट इज T1G, तो ये T1G कुछ इस तरीके से रहेगा इसका T1G4। और T1G4 आगे जाके कैसे स्प्लिट करेगा, ये थोड़ा सा हाई एनर्जी पर चला जाएगा T1G4। और लास्ट में हमारे पास रहेगी जी टर्म। अब जी टर्म में हमारे पास कितने लेवल्स बनते हैं, देयर आर 4 लेवल्स, 4 स्प्लिट्स इन द जी टर्म। जी टर्म का हमारे पास ग्राउंड स्टेट क्या होता है, दैट इज आवर EG। ओके EG हमारे पास इस तरीके से रहेगा, एक EG इन द 2, राइट। एंड फिर हमारे पास T2G है इसका नेक्स्ट लेवल, तो यहाँ पर इस तरीके से जाकर एक T2G बना देता है, तो ये भी 2 रहेगा। फिर आगे एक और ट्रिपल डिजनरेट लेवल होता है दैट इज T1G, तो ये
T1G, 2 यहाँ पर बनाएगा, और G का एक हाई एनर्जी वाला होता है A1G, तो A1G कैसे आता है इसका, दिस इज लाइक दिस, ये यहाँ पर A1G 2 में जाएगा। ओके अब ये हमारा जो हो गया डायग्राम फॉर दी D7 सिस्टम, इसमें ट्रांजिशंस कितनी होती हैं ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट में, ये देख लेते हैं। ग्राउंड स्टेट में हमारे पास तीन बैंड्स आते हैं, क्यों, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, और थर्ड बैंड जो है वो पी के साथ आता है। तो ये हमारे पास तीन बैंड्स आ गए ग्राउंड स्टेट में, और देखा जाए तो हमारे पास जो एक्साइटेड स्टेट है उसमें भी हमारे पास तीन बैंड्स ही आते हैं, एक इनकी स्प्लिटिंग का, एक यहाँ पर और एक ये वाला बैंड, राइट। तो ये तीन बैंड्स आएंगे इसके एक्साइटेड स्टेट में भी, मतलब स्ट्रॉन्ग फील्ड में भी, और जो ग्राउंड स्टेट होती है मतलब वीक फील्ड की स्टेट होती है उसमें भी हमारे पास तीन ट्रांजिशन बैंड्स आते हैं। सो दिस वॉज अबाउट द डायग्राम ऑफ D7 कॉन्फ़िगरेशन। इसके डायरेक्ट क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में आते हैं, इनकी जो स्प्लिटिंग पूछी जाती हैं CSIR, NET, IIT एग्जाम में, वो मैंने सारी यहाँ पर स्प्लिटिंग्स लिख दी हैं, सारा कुछ मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है इसमें अच्छे तरीके से, हमारी बुक से काफ़ी ज़्यादा डिटेल में मैंने जाकर एक्सप्लेन करा है। तो फिर भी अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ये सारी टर्म्स आप याद कर सकते हैं, आई थिंक आपको अच्छे से याद हो जाएंगी अब टर्म्स भी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़, एंड होपफुल यू लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।